हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार किंग एडिट। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का व्हाट्सएप डीपी फोटो एडिटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और हाँ गाइस, आप लोग भी कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो अपने लवर्स के लिए, अपने गर्लफ्रेंड के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और हाँ गाइस, इस टाइप के फोटो एडिटिंग आपको इंस्टाग्राम पे भी देखने को मिल जाएंगे एक दो, जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। और हाँ गाइस, इस टाइप के फोटो एडिटिंग पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं टिकटॉक पे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और हाँ गाइस, इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोगों को इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना नहीं आता है, तो मैं इसलिए इस टाइप का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर सको। तो चलिए गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दो एक लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और पास वाले बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा कुछ का अपडेट वहीं पर सबसे पहले दे देता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो हेलो गाइस, मैंने अपने बैकग्राउंड को पिक्सार्ट में ओपन कर लिया है। और हाँ गाइस, मैंने इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और हाँ गाइस, मैं जो कुछ भी पीएनजी वगैरह यूज़ करूँगा उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइस, आप ये वीडियो को पूरा देखना, तभी कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग कर पाओगे। तो चलिए, मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ से ड्रॉ टूल पर, और ड्रॉ टूल पर जाने के बाद मैं जाऊँगा इस ऐड फोटो के ऑप्शन पर, और मैं अपने फ़ोटो को ऐड कर लूँगा। तो देखिए गाइस, मैंने अपने फ़ोटो को ऐड कर लिया है। यहाँ से मैं इसे डन कर दूँगा, और डन कर दूँगा मैं यहाँ कुछ इस तरह से रोटेशन करके यहाँ इसे पोजीशन पे बैठा दूँगा, और यहाँ से अच्छे से पोजीशन से आप लोग भी बैठाना, मैंने बैठा लिया है। और अब मैं यहाँ से इस लेयर वाले ऑप्शन पर जाऊँगा, और यहाँ से इसे क्लिक करके मैं इसे बैकग्राउंड वाले के नीचे लेके चलाऊँगा। और नीचे चले ले जाने के बाद मैं यहाँ से इस थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से इसे ट्रांसफॉर्म कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसे डन कर दूँगा। और अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं करना है, अब हमें यहाँ से इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद अब मैं वापस से जाऊँगा इस ऐड फोटो के ऑप्शन पे, और एक और दो पीएनजी ऐड करूँगा, एक टेक्स्ट पीएनजी और एक हार्ट का पीएनजी। तो चलिए, मैं ऐड फोटो पे जाके दोनों पीएनजी ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने दोनों पीएनजी ऐड कर लिया है, और मैं इसे सही से बैठा लेता हूँ। और पहले मैं टेक्स्ट पीएनजी को बैठा लेता हूँ सही से पोजीशन पे एकदम अच्छे से। आप भी कुछ अच्छे तरीके से बैठाइएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। अब मैं इसको उस साइज छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ से इसे बैठा लेता हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हार्ट का कलर कुछ और रखना है, तो यहाँ से आप एडजस्ट टूल पर जाओगे, और एडजस्ट टूल पर जाने के बाद यहाँ ह्यू पर क्लिक करोगे, और यहाँ से इसे कुछ इस तरह से कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। तो मुझे तो रेड ही अच्छा लग रहा है, तो मैं तो रेड ही रखूँगा। यहाँ से इसे डन कर देता हूँ, और यहाँ से भी इसे डन कर लेता हूँ। और इतना कर लेने के बाद मैं जाऊँगा इस टूल वाले ऑप्शन पे, और टूल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ से एडजस्ट पर क्लिक करूँगा। फेस में बहुत ही ब्राइटनेस वगैरह आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा लाइट वगैरह डालूँगा। तो यहाँ से मैं ब्राइटनेस को हल्का सा इनक्रीज़ कर लेता हूँ, और क्लैरिटी को भी हल्का सा, सॉरी गाइस, कॉन्ट्रास्ट को भी मैं हल्का सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ लगभग इतना। और मैं जाऊँगा क्लैरिटी पे, और क्लैरिटी को भी हल्का सा इंक्रीज़ कर दूँगा, और सेचुरेशन का कोई काम नहीं, ह्यू का भी कोई काम। मैं जाऊँगा हाईलाइट पे, हाईलाइट को भी कम ज़्यादा करके देख सकता हूँ, तो कुछ इतना अच्छा लग रहा है। तो चलिए गाइस, मैं इतना कर लेना, यहाँ से डन कर देता हूँ। और अब हम इसे इस फोटो में हमें कुछ भी नहीं करना है। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर दो एक लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और पास वाले बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, और जाओ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा कुछ का अपडेट वहीं पर सबसे पहले दे देता हूँ। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और फोटो एडिटिंग के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।